alaikum to everyone today i will tell you about the experiment number 10 which is the last experiment of uh, medicinal chemistry lab and uh, the object of uh, uh, this experiment is that hands on practice of some basic computational tool in medicinal chemistry uh, first is chemdraw second is chimera and third is gimp uh, बेसिकली आजकल हमारे पास जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसमें कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जनरली हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री uh, के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं हम uh, अपनी जो है वो टाइम को सेव कर रहे होते हैं अपनी मनी को सेव कर रहे होते हैं और इफ़ेक्टिव uh, केमिकल जो जिनमें uh, कुछ बायोलॉजिकल पोटेंशियल है वो हमें uh, क्या है कि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चल जाता है कि इसमें ये पोटेंशियल है तो हम उनको इजिली सकते अपने सॉरी <coughs> तो कंप्यूटेशनल uh, जो टूल्स हम जनरली मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज करते हैं जो बेसिक टूल्स हैं उसमें फर्स्ट वन है हमारे पास ड्रॉ ट कैमड्रॉ इज यूज फॉर द्रॉइंग जितने भी आपके पास केमिस्ट्री में सॉरी <coughs> जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री uh, uh, में कैमिकल uh, स्ट्रक्चर है उनको आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं कैम ड्रॉ के थ्रू और uh, इसके अलावा जो है इसके अलावा आप uh, अपने इसमें Uh, अगर आपके पास कोई नोन uh, अगर आपके पास केमिकल नेम है तो आप केमिकल नेम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर आ, आपके पास स्ट्रक्चर है लेकिन उसका कोई नेम यानी कि अननोन है तो आप उसका नेम फाइंड आउट कर सकते हैं आप उस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसमें नेम में इजीली बाय कैमड्रॉ अदर कैमिक अदर सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि यूज uh, uh, होते हैं फॉर ड्राइंग द केमिकल स्ट्रक्चर लाइक हमारे पास मार्विन स्केच है और कैम थ्री डी कैम स्केच है इस नाम से हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कैमिकल्स uh, जो है वो केमिकल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो हमने दिया है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो कैम ड्रॉ कैम ड्रॉ के थ्रू आप क्या कर सकते हैं मॉलिकल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इसके अलावा आप अपनी जो uh, uh, अगर आपके पास अन स्ट्रक्चर है उसका आप नेम दे सकते हैं और अगर अगर नेम है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं उस नेम को के स्ट्रक्चर को इजीली फाइंड आउट कर सकते इजीली uh, ड्रॉ कर सकते हैं किसके थ्रू कैम ड्रॉ के थ्रू और इसके अलावा आप इसके थ्रू एच एन एम आर और सी एन एम आर जो है वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू कैम ड्रॉ के थ्रू ये मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट दिया है इसके जो विंडो है कैम ड्रॉ की वो बेसिकली इस तरह की दिखाई देती है अगर आप एच एन एम आर या सी एन एम आर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कर रहे हैं तो और ये जो है ये टूल्स है ये बेसिकली ड्राइंग टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं टू द केमिकल स्ट्रक्चर अच्छा जी नेक्स्ट वी हैव कामेरा जो है uh, अच्छा जो कैम ड्रॉ है वो लाइसेंसड सॉफ्टवेयर है वो पेड सॉफ्टवेयर है और कायमेरा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कामेरा जो है आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था मोलिकुलर डॉकिंग मोलिकुलर डॉकिंग एंड कम्पटेशनल केमिस्ट्री तो मोलिकुलर डॉकिंग में कैमेरा का एक बहुत बड़ा रोल है कैमेरा के थ्रू जो है आप आफ्टर डॉकिंग जो आफ्टर uh, बाइंडिंग जो थ्री डी इंटरेक्शन हैं उनकी जो विजुअलाइजेशन है वो आप किसके थ्रू कर सकते हैं कैमेरा के थ्रू कर सकते हैं और इसके अलावा डिस्टेंस मेजरमेंट कर सक डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं uh, जो इंटरेक्शनज हैं उनका और इसके अलावा uh, जो है आप जो इमेज है उसको सेव भी कर सकते हैं और जो कैमरा है इसका कंप्लीट नाम है यू सी एस एफ कैमरा एंड इसके अलावा आप डिफरेंट जो कन्फर्मर्स हैं उनको जो थ्री डी विजुअलाइजेशन है वो किसके थ्रू करते हैं यू सी एस एफ कैमेरा यहाँ पर मैंने दिखाया है कि यू सी एस एफ कैमेरा की विंडो कुछ इस तरह की दिखती है कि हमारे पास एक प्रोटीन है इसका स्ट्रक्चर है और जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये यह रेजिड्यू शो कर रहा है कि ये 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 रेजिड्यू है और जब हम इंटरेक्शन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इंजाम का कौन सा रेजिड्यू हमारी ड्रग के किस पार्ट के साथ बाइंड हो रहा है तो ये सब जो विजुअलाइजेशन है ये इसके थ्रू आप कर सकते हैं कायम है के थ्रू अच्छा जी उसके बाद हमारे पास गेम गेम बेसिकली हमारे पास इमेज मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर है आपने क्या किया आपने डॉकिंग कर ली आपने विजुअलाइजेशन कर ली उसके बाद जो आपके पास पिक्चर होगी वो जो पिक्चर है वो आप सेव करेंगे एज अ प्रूफ या एज आ एज अ एविडेंस तो उसको जो हम uh, उस जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसके लिए वो है गेम्प और गिम जो है जनरली जो बेस्ट वर्क करता है वो लिनक्स के साथ वर्क करता है और उसके अलावा विंडोज सिस्टम के साथ भी कर सकता है करता है लिनक्स इज बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटेशनल के सॉफ्टवेयर हैं वो जनरली लिनक्स बेस होते हैं लिनक्स इज जस्ट लाइक अ विंडोज सिस्टम और लिनक्स का लेकिन फ़ायदा क्या है कि लिनक्स जो है वो फ्री फ्रॉम वायरस होता है इसके अलावा तो जिसकी वजह से हमारे पास ये चांस बहुत कम होता है कि आपका सिस्टम करप्ट हो सके क्योंकि ये फ्री फ्रॉम वायरस है तो मोस्टली जो कंप्यूटेशनल के सॉफ्टवेयर हैं वो रन होते हैं थ्रू लिनिक्स और इसके अलावा आप पिक्चर लेने के अलावा गेम के थ्रू जो है आप पिग्जल जो है वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी पिक्चर के दैट्स ऑल अबाउट लास्ट एक्सपेरिमेंट और इनशाला वी विल do the hands-on practice of the software uh, in the university or uh, that's all for today's lecture or uh, uh, allah hafiz and stay blessed